तो कोरोना काल में कामकाज कैसा रहा योगी सरकार का? उत्तर प्रदेश की जिस जनता ने हिस्सा लिया इस वोट में, उनका यह कहना है 64% लोगों ने अच्छा काम किया, 15% खराब मानते हैं, औसत काम करने वाले 17% की वोट करते हैं और कह नहीं सकते वाले 4% है। अगला सवाल ले लेते हैं, कोविड के बाद बात भ्रष्टाचार की कर लेते हैं। भ्रष्टाचार काबू करने में सबसे बेहतर सीएम कौन रहा? कंपैरिजन तीनों के बीच 75% योगी को सही मानते हैं, 9% अखिलेश यादव की सरकारी काल को मानते हैं, 16% मायावती को मानते हैं। यहां भी कहीं आगे दिखाई देते हैं योगी आदित्यनाथ। और अब बात विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़क बिजली पानी देने में बेहतर सीएम आप किसे मानते हैं? यह सवाल भी पूछा गया। योगी आदित्यनाथ को फिर 70% के ऊपर वोट मिले, 71%, अखिलेश यादव 16%, मायावती 8%, कह नहीं सकते 5%। इन सवालों के जवाब देख के आप समझ सकते हैं कि अभी भी योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बाकी दोनों के मुकाबले अभी भी 4 साल के कामकाज के बाद बनी हुई है। धर्मवीर जी, आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए, जवाब देंगे शलभ। सुमित जी, इस प्रदेश में विकास का मॉडल अगर किसी ने प्रस्तुत किया था तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस का निर्माण हो, चाहे वो मेट्रो हो और चाहे वो जेवर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हो, ये सारे काम आदरणीय बहन जी के शासनकाल में मूर्त रूप ले चुके थे, जिनको आज तक ये 4 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। ये इनका विकास का मॉडल है। और जो GDP की दर नीचे जा रही है, 11% 12% से 5% से नीचे चली गई, ये कौन से विकास की बात कर रहे हैं? यहां तो अपराधियों का विकास हुआ इस प्रदेश के अंदर, पब्लिक का विकास नहीं हुआ। आज आलू 4 रुपए किलो बिक रहा है मार्केट में, किसान का 12 रुपए किलो उस पर लागत आ रही है। इनको कौन से आंकड़े विकास के प्रस्तुत कर रहे हैं? घनश्याम आप भी बोले, शलभ आप इकट्ठे जवाब दीजिएगा। घनश्याम तिवारी, अखिलेश जी आता हूं, अखिलेश जी आता हूं घनश्याम तिवारी के बाद। घनश्याम, तमाम पैमानों पर अभी भी योगी आदित्यनाथ आगे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक जी देखिए, एक शेर है कि प्यार की धरती अगर नफरत से बांटी जाए, एक मुर्दा शहर हमारे दरमियान रह जाएगा। अगर आपका सर्वे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 60% लोग लव जिहाद को पसंद करते हैं, आप जानते हैं क्या हुआ है लव जिहाद के नाम पर? लव जिहाद को रोकने किसी बेटी की शादी तोड़ दी गई है, जहां पर गेस्ट आए थे, भोजन किया। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। उस कानून का मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, शलभ मनी त्रिपाठी यहां पर पूरा नाम नहीं बता पाएंगे, इनका कोई मंत्री नहीं बता पाएगा, इनके उप मुख्यमंत्री नहीं बता पाए थे। उस कानून का नाम ऐसा रखा गया कि उसकी चर्चा केवल लव जिहाद के नाम से हो। क्यों रखा गया? किसी बेटी की शादी टूट जाती है, किसी बेटी को अपना बच्चा गंवाना पड़ता है, पति को जेल में डाल दिया जाता है। घर घर नफरत फैलाने की सरकार अगर देश ने कहीं देखी है तो आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश ने देखी है। और अगर अपराधियों को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने से कोई लोकप्रिय नेता बन जाए तो वो मिसाल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। कुछ दिन पहले लखनऊ में पोस्टर लगे थे किसके ऊपर कितने अपराध हैं, जब अखिलेश यादव जी के ऊपर इनकी सरकार ने मुकदमा किया था। आईना कभी भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए, सर्वे तो ये लोग अक्सर देखते हैं। अंतिम बात कहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी तबका ऐसा है जिसको लगता है कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां क्रिएट हुई हैं, निवेश हुए हैं, लव जिहाद अच्छी बात है, तो मुझे लगता है कि वो तबका उत्तर प्रदेश को डुबाने के लिए अंधेर नगरी में जी रहा है। चलिए, अगर आप उत्तर प्रदेश का आपका कोई दर्शक, मैं चैलेंज करता हूं, आपके दर्शक में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके बच्चों की बात की है, आपके दर्शकों में एक भी परिवार। घनश्याम जी, मनु शर्मा सी वोटर के जो एडिटर है वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक आखिरी बात का जवाब दीजिए, ये सब लोग सर्वे पे सवाल खड़े हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ। घनश्याम सुनिए, बहुत से सवाल। एक आखिरी बात कहूंगा, मनु शर्मा जवाब दे रही, मनु शर्मा सब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। विकास के मामले में मायावती बेहतर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अखिलेश यादव बेहतर थे। घनश्याम जी का, धर्मवीर जी का और अखिलेश जी का ये आंकड़ा है कि नौकरी में गलत बयानी कर रहे हैं आपका सर्वे। मनु शर्मा जवाब दीजिए। देखिए, जो राजनीतिक पक्ष होते हैं वो सब अपनी अपनी राय जनता के सामने रखते हैं और उन्हें रखनी भी चाहिए, लेकिन होता क्या है सर्वे में दरअसल उभर के क्या आता है, जनता की राय और जनता का जो अनुभव होता है वो तुलनात्मक होता है। तो जब आप उनसे सवाल करते हैं कि भाई अपराध के बारे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लग रहा है, तो जनता यही कहेगी कि भाई हाँ, पहले की जो सरकार थी या पहले के जो कुछ गुजरे साल थे उसके मुकाबले क्या रहा, उस आधार पे वो अपने जवाब हमें देते हैं। उसी प्रकार से जब बात करेंगे, जैसे इस वक्त अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी एक एक परेशानी जनता के लिए क्या है, वो है महामारी।
तो महामारी को किस प्रकार से सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने हैंडल किया उस पर वो तुलनात्मक ही एक बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं कि पहले भी कोई महामारी इस प्रकार की हुई थी, लेकिन लोगों ने सोचा अगर हुई होती तो उस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि नहीं हम संतुष्ट हैं, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो तुलनात्मक रूप से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व से हम खुश हैं। और ये ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसा हर राज्य में नहीं हो रहा है, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी जिसे कह सकते हैं नेतृत्व को लेकर थोड़ी सी परेशानी में भी नजर आती है, हालांकि यूपी में ऐसा नहीं है। इसका मतलब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी की जनता पसंद कर रही है, और राज्य में जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं हो सकता है वहां पर उनकी जनता की राय विपरीत हो, नहीं मानते हो ऐसा। अभिज्ञान प्रकाश, तमाम पैमाने देखे आपने, विकास की बात की, करप्शन की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, कोरोना मैनेजमेंट की बात की, नौकरी की बात की, आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ इन तमाम पैमानों पर अखिलेश और मायावती से बेहतर सीएम साबित हुए? देखिए दो तीन, यूपी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहली बात हम ये समझ लें, मैं माफ करिएगा सारे राजनीतिक दलों को सुन रहा था, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। बड़ी बात यहां पर क्या है, बड़ी बात ये है, अब जैसे कोरोना का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है, सी वोटर के रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे थे, कोरोना अपने आप में एक बड़ी नई स्थिति है, तो पहले के सीएम से कंपेयर करना कि उन्होंने कैसा किया या कैसा नहीं किया बहुत मुश्किल नजर आता है। दूसरी बात जो मैं वो पॉइंट आपसे कह रहा हूं सुमित, जो अंततः योगी आदित्यनाथ के सीएम तौर की कामयाबी को सुनिश्चित करेंगे जब भी अगले इलेक्शन की डेट्स अनाउंस होती हैं। यूपी में चुनाव पर एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, सालों साल मैं देख रहा हूं, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर पर अगर वाकई ये सरकार के जो इस सर्वे के आंकड़े हैं वो ये बोलते हैं तो इनको आगे जाकर लाभ होगा। हालांकि विकास दुबे जैसी घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर की हैंडलिंग को क्वेश्चन करती हैं, उस पर सवाल उठाती हैं। तो कुछ ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। दूसरा एक मुद्दा जिस पर सरकारें गई हैं, सरकारें बदली हैं, करप्शन, भ्रष्टाचार, क्योंकि एक समय आता है उत्तर प्रदेश के चुनावों को मैंने देखा है जहां पर लोगों का अगर कोई नेता या कोई सरकार भ्रष्ट लगने लगती है तो वो राज्य के लोग बदल देते हैं। वहां पर भी फिलहाल इस सर्वे के हिसाब से चीफ मिनिस्टर स्कोर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तीन ऐसे विषय हैं जिनकी कंसिस्टेंसी अगर बनी रहेगी इनके लिए तो वाकई एक साल बाद की तस्वीर में इनको लाभ होगा। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि इनको भी इनकी पार्टी ने समेत मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब अगला चुनाव आएगा तो इनके नेतृत्व में बीजेपी जाएगी चुनाव लड़ने। ये बहुत बड़ा फर्क, बड़ी बात कह रहे हैं विज्ञान आप। सीएम बनने से और सीएम, हम सब जानते हैं 2017 में जब बीजेपी चुनाव में गई थी यूपी में तो किसी को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया था, अब उन्होंने उसके बाद मुख्यमंत्री बना जब मेजोरिटी आ गई। ABP News, आपको रखे आगे।